हेलो एवरीवन, कोर वीडियो में आपका स्वागत है। तो भाई आज हमारे पास है टाटा की अल्ट्रोज रेसर और ये है भाई अपने पास नया मॉडल, नया लेटेस्ट मॉडल मैं दिखा रहा हूँ। इस वीडियो भाई बात करेंगे इस गाड़ी कंप्लीट डिटेल वॉक अराउंड की, जहाँ पे मैं आप लोग को डिटेल से बताऊंगा इसमें क्या कुछ बदलाव हुई है और इसमें कितने मॉडल आते हैं, वो सारी चीजें बात करेंगे और इसका प्राइस क्या हो गया वो भी बात करेंगे। सबसे पहले भाई ये अपना टॉप एंड इन वेरियंट है। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस है शोरूम 10,99,000 इसकी एक्स शोरूम प्राइस है और ये ऑन रोड कॉस्ट करती है भाई टीएमबी टाटा मोटर्स लखनऊ सीतापुर रोड पे, ये आपको मिल जाएगी 12,74,000, ये आपको मिल जाएगी ऑन रोड में विदाउट एसेसरीज लेकर। अगर एसेसरीज करवाते हो तो 12,93,000 पड़ जाएगी एसेसरीज के साथ। बाकी इस पे एक स्पेशल डिस्काउंट भी चल रहा है, वो भी बताऊंगा, काफी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, वो सारी चीजें बात करते हैं। चलिए स्टार्ट से बात करते हैं कि इसमें क्या कुछ मिलता है, क्या नई चीजें हैं, वो सारी चीजें बात करते हैं। तो भाई सबसे पहले आप सामने से देखो, मैंने सब कुछ प्राइस बता दिया। अगर मैं इसका भाई विड्थ की बात करूँ तो आप देखो काफी अच्छी खासी विड्थ मिलेगी, 1755 mm का आई थिंक आपको विड्थ मिल जाएगा। और लेंथ की बात करूँ तो ये काफी लंबी चौड़ी मिल जाएगी, लेंथ 3990 mm का आपको लेंथ मिल जाएगा। तो मतलब आपको लगेगा एक स्पोर्टी लुक के साथ आ गई है रेसर से, मतलब यही है भाई। इसमें जो इंजन लगाया है भाई 1.2 लीटर का इंजन 3 सिलेंडर के साथ, लेकिन इसमें भाई आई टर्बो प्लस आपको देखने मिल जाएगा, मतलब पावर फिगर आपको काफी तगड़ा देखने को इसमें मिल जाएगा। सामने से देखोगे भाई ये आपको स्ट्रैपिंग आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पे आप देखोगे, और ये पीछे तक कनेक्टेड आपको देखने को मिल जाएगा। अगर मैं दिखाऊं तो ये यहाँ तक देखने को मिल जाएगी, लेकिन जो यहाँ पे आप देखो बोनेट पे आप देखो फुल्ली ब्लैक ये आपको कंटिन्यू हो ये पीछे तक। अगर मैं दिखाऊँ यहाँ से ORBM पे आपको देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। और इसमें जो खास चीजें आ गई भाई, इसमें आपको 360° कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर सिस्टम और भी बहुत कुछ आई है इस अल्ट्रोज रेसर के साथ। तो सबसे पहले भाई ये देखो भाई, ये भाई टाटा का आपको लोगो मिल जाएगा, 2D लोगो, फ्रंट में कैमरा, ग्रिल देखो कुछ इस तरीके से मिल जाएगी, अल्ट्रोज का आपको बैच मिल जाएगा और यहाँ पे आपको मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, ये अपना मिल जाएगा फॉग लैंप और ये अपना ये मिल जाएगा मेन लाइट सेटअप देख पाओगे कुछ इस तरीके से, आपको हैलोजन सेटअप के साथ देखने को मिल जाएगा। सामने से अगर मैं बताऊँ सब कुछ हो गया, ये अपना रेन सेंसिंग वाइपर वो सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ से जो आगे का पोर्शन की बात करें एकदम आपको सेम वही लगेगा जो पुरानी अल्ट्रोज आती थी, लेकिन इसमें रेसर का जो बैज लग गया ना, ये देखो भाई रेसर का जो बैज लगा यहाँ से भाई सब कुछ खेल एकदम अलग आपको निखर के आएगी। वो कैसे आएगी, अभी इसका जो इंजन है भाई काफी तगड़ा हो गया है। सबसे पहले बात करते हैं इसमें फ्रंट में और रियर में, तो फ्रंट में आपको मिल जाएगी भाई डिस्क, रियर में मिल जाएगी ड्रम। इसमें जो टायर साइज है भाई, अगर मैं दिखाऊँ 185/60R16 का आपको टायर साइज मिल जाएगा। ये आपको जो मैं यहाँ पे व्हील के डिजाइन की बात करूँ तो ये आपको काफ़ी स्पोर्टी देखने को मिल जाएगी, जो काफ़ी अच्छे लगते हैं। गाड़ी की ट्रैवल कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा। साइड में आपको मिल जाएंगे कुछ इस तरीके से टर्न इंडिकेटर जो कि काफ़ी अच्छे हैं। और जो ORBM है यहाँ पे आप देखोगे ऑटो फोल्ड एंड ऑटो एडजस्टेबल के साथ देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा कैमरा, ये देख पाओगे तो यहाँ पर भी आपको कैमरा का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और ये जो आपको ग्लास एरिया देखने को मिल जाएगा ये फुल्ली आपको जो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ये भी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे कुछ आपको देखोगे बॉडी कलर आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ये सारी चीज़ें। और ये फुली नहीं है, अगर मैं रियर से दिखाऊँ तो यहाँ पे ये इसका प्लेट आप देखो कुछ इस तरीके से आपको देखने मिल जाती है बेहतरीन लुक के साथ, और कट्स आपको काफ़ी अच्छे से देखने मिल जाएगी। बाकी रियर में आपको ड्रम मिल जाएगी कुछ इस तरीके से, रियर में आप देख पाओगे 37 लीटर का टैंक कैपेसिटी मिल जाएगा, ये आप देख पाओगे यहाँ से। और ये आप देखोगे आपको यहाँ से ओपन करने के लिए देखने मिल जाएगा यहाँ से, तो अगर मैं एक बार डोर ओपन करूँ तो ये आपको 90° आपको फुली ओपन होगा इसका डोर, तो एक प्लस पॉइंट है, आपको काफ़ी अच्छा स्पेस आपको इंटीरियर मिल जाएगा। इंटीरियर का झलक देखो भाई, ओए होए होए होए, एम्बियंट लाइटिंग और सारी चीज़ें आपको देखने मिल जाएगी। अभी इसका डिटेल करूँगा, इसके लिए बने रहें, अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ। और जो मैं रियर से आ गया भाई, तो रियर पर देखोगे भाई इस तरीके से आपको देखने मिल जाएगा, तो ये स्टिकरिंग की गई है काफ़ी अच्छा, और शार्पन एंटीना मिल जाएगा यहाँ पर, काफ़ी बेहतरीन आपको देखने को मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये कुछ तरीके स्पॉइलर आपको देख मिल जाएगा यहाँ पे, आप देखोगे स्पॉइलर काफ़ी अट्रैक्टिव डिजाइन के साथ, हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, और ये मिल जाएगा वाइपर डिफॉगर आपको देखने को मिल जाएगा, वोकल फॉर लोकल का आपको बैस भी देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे भी आपको मिल जाता भाई 2D लोगो टाटा का, और यहाँ पे आपको पहले आपको कैमरा यहाँ मिलता था कुछ कुछ आई थिंक मुझे लग रहा था जितनी अल्ट्रा आ रही थी, लेकिन अब देखो भाई यहाँ आई थिंक मिल रहा है तो ये आपको मिल जाएगा। बाकी ये टाटा TMB टाटा मोटर्स आपको देख मिल जाएगा, और रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको एक दो आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे, और रिफ्लेक्टर के लिए एक दो रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे। बाकी स्पेयर व्हील की बात करें
तो यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील देखने को नहीं मिलेगा, इसके अंदर मिलेगा। बाकी एग्जॉस्ट आपको देखोगे ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है, जो काफी स्पोर्टी आपको एग्जॉस्ट आपको देखने मिल जाता है। नंबर प्लेट लाइट आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगी और ये अल्ट्रोज आपको बैग देखने मिल जाएगा, जहाँ पे देखोगे भाई कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। और यहाँ पे टेल लाइट की बात करें, सेम टेल लाइट यहाँ पे भी कंटिन्यू हुआ है, जो पहले इनके अल्ट्रोज में आते थे सेम आपको देखने को मिल जाएगा, कुछ इस तरीके से आपको देखने मिल। एक बार मैं क्या करता हूँ भाई, इसका भाई बूट स्पेस दिखाता हूँ। 345 लीटर का बूट स्पेस आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप देखो पार्सल ट्रे आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, ये कुछ इस तरीके से। और पार्सल ट्रे ठीक है भाई, क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन है, आपको देखने मिल जाएगी यहाँ से कुछ तरीके से देख पाओगे। अगर मैं दिखाऊँ यहाँ से, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा भाई टायर साइज 165 ATR 14 का आपको टायर मिल जाएगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से। और एक आपको लाइट वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइटिंग आपको देखने मिल जाएगा। हुक आई थिंक यहाँ पे एक देखने मिल जाएगा, एक यहाँ पे हुक आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे फिट एंड फिनिश काफ़ी टॉप नॉच आपको देखने को मिलता है। यहाँ से इसको करते हैं बंद और चलते हैं भाई इसके अंदर, अंदर की बातचीत करते हैं। वो सबसे पहले इसमें सेफ्टी की बात करें, तो इसमें जो पुरानी अल्ट्रोज आती थी उसमें भी आपको पिछले जो टेस्टिंग हुई थी ग्लोबल एनकैप जो भी हुई थी उसमें आपको 5-स्टार रेटिंग के साथ आती है। इसमें आपको क्या चीज़ देखने मिल जाएगी, इसमें भी आपको सेफ्टी काफ़ी टॉप नॉच आपको देखने मिल जाएगी। ड्राइवर पे रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएंगे यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। और इसको मैं खोलता हूँ फिर आप लोग को दिखाता हूँ। ये भाई इसकी नॉर्मल सी की जो आप देखोगे, ये देखो तो भाई काफ़ी इनकी पुरानी गाड़ियों में अभी आती थी सेम की आपको कंटिन्यू की गई है। लॉक अनलॉक, फॉलो मी हेडलैम्प, और ये कुछ इस तरीके से आपको देखने मिल जाएगा। एक बार मैं लाइट आपको दिखाया नहीं तो दिखाने की कोशिश करता हूँ। आई थिंक ये इनको हैलोजन सेटअप आपको देखने मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, जो कि मैं बता रहा था वो देखने मिल जाएगा। बाकी की रखते हैं यहाँ पे। और भाई ये देखो भाई फुल्ली डोर ओपन हो चुका है, अभी मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा ट्विटर का डोर लीवर, आपको ग्लॉसी आपको फिनिश के साथ देखने मिल जाएगा। पावर विंडो कंट्रोल आपको मिल जाएगा, ओआरवीएम एडजस्ट कर सकते हो यहाँ से। और ये आपको सॉफ्ट सॉफ्ट आपको देखने मिल जाएगा, फैब्रिक आपको देखने मिल जाएगा ये आप, बाकी ये हार्ड प्लास्टिक यहाँ पे मिल जाएगा। चार स्पीकर, चार ट्विटर का आपको प्लेसमेंट आपको इस गाड़ी के साथ देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पे देख पाओगे। बाकी यहाँ अम्ब्रेला के लिए आपको देखने मिल जाएगा, ये बॉटल के लिए मतलब स्पेस यहाँ पे भी दी गई है। आई थिंक लाइट वाइट आपको देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा ही आपको यहाँ से मैं दिखा दिया। अभी बात करें जो इसमें इस टॉप एंड इनवेंट में कुछ खास फीचर आपको देखने मिल जाएगा, ये देखो भाई वेंटिलेटेड सीट भाई, जो इनके जितने पिछले और भी R1 R2 में आते थे उसमें आपको वेंटिलेटेड सीट का आपको देखने मिल जाएगा। केवल टॉप एंड इनवेरियंट में आपको वेंटिलेटेड सीट मिल जाएगा। हेड इसको देखो भाई, सीट को अभी एडजस्ट कर सकते। और यहाँ पे मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देखोगे भाई, ये आप देख सकते हैं लेदर रैप सीट इनके बेस वेरिएंट से भी आते हैं, तो वो भी आपको काफ़ी अच्छा आपको देखने मिल जाएगा। अगर आप बेस वेरिएंट वाले वीडियो देख रहे हैं चलो रीड करो, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब क्या करते हैं भाई, मैं एक बार बैठता हूँ आप लोग को, मैं दिखाता हूँ कि इसमें क्या कुछ आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले भाई ये अभी मैं दिखाऊँ तो यहाँ से करते हैं बंद और यहाँ से भाई इसको चालू कर लेते हैं। ओके तो ये आपको देखने को मिल जाएगा भाई, यहाँ से ये हो गई भाई, एक बार दबाता हूँ भाई ये। ओके भैया ये आपको देखने को मिल जाएगा, 7 इंच के इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिल जाएगा डिजिटल आपके फॉर्म में, जहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे को देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे ऑटोमेटिक हेडलैम्प और ये वाइपर का आपको मिल जाएगा, ऑटोमेटिक लाइट के कंट्रोल ऐसी आपको देखने मिल जाएगी। इनका भाई स्टेयरिंग काफ़ी शानदार सीधी गई है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ इसका स्टेयरिंग की बात कर लेता हूँ, टिल्ट ही मिलेगा भाई, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। ये देख सकते हो इंजन स्टार्ट स्टॉप आपको बटन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ से मैं दिखाऊँ ये वाली यहाँ पे देखने मिल जाएगी, आ जा भाई यहाँ से आपको देखने मिल जाएगी। ये देखो यहाँ पे 360 कैमरा, ये देखो भाई कैमरा आपको क्वालिटी दिखाता हूँ, ये देखने को मिल जाएगा सामने से, जहाँ पे 360 कैमरा ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर सिस्टम और ऐसा चीज़ आपको देखने मिल जाएगी। और कैमरा की क्वालिटी आप देख सकते हो भाई 2D, मतलब साइड से ये साइड वाला दिखा रही है, इस साइड वाला दिखा रहा भाई, तो मतलब कैमरे में कोई दिक्कत नहीं होने वाला। और एक चीज़ इसमें और है भाई कि जब आप इंडिकेटर दोगे तो ये वाला कैमरा ऑन हो जाएगा, अगर आप इस साइड वाला दोगे तो इस साइड वाला ऑन हो जाएगा। तो ये सारे फीचर आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं इस नई अल्ट्रो रेसर के साथ, जो कि काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। और अल्ट्रो रेसर में एक चीज़ मैं दिखाऊँ,
इसमें भाई एयर प्यूरीफायर भी आपको मिल जाएगा टॉप एंड इंड वेरियंट में, जो कि इनके दोनों मॉडल में आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो ऐसी चीज आपको इसमें मिल जाएगी। और कुछ चीज़ें आपको मैं बताऊंगा इसमें, आपको भाई 50,000 का आप डिस्काउंट पा सकते हैं, अगर आप जो भी कॉन्ट्री डिटेल सामने देखने को मिल जाएगा यहाँ से आप कॉन्ट्री करोगे तो इनको आपको 50,000 का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। 10.25 इंच काफ़ी बड़ी सी डिस्प्ले मिल जाएगा, एंड्रॉइड एप्पल ऑटो कार प्ले ऐसी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे भाई ये आपको मिल जाएगा वायरलेस चार्जिंग, इनके R2 वेरिएंट में से ही भी आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाता था, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये अपना मिल जाएगा 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ, जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन है। अब इसमें अल्ट्रोज का कोई भी मॉडल आपको ऑटोमेटिक के साथ देखने को नहीं मिलेगा। और ये सारी चीज़ आपको देखने मिल जाएगी, 12 वोल्ट सॉकेट आपको देखने को मिल जाएगा, 5 यहाँ पे देखो भाई, ये देखो 5 वोल्ट 3 एम्पियर का मिल जाएगा, टाइप सी मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर भाई ये अपना आर्मरेस्ट के लिए देखने को मिल जाएगा, और इसको ओपन भी कर सकते हो और ये आपको लॉक भी हो जाए कुछ इस तरीके से। यहाँ पे भी स्टोरेज कुछ आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी यहाँ पे हैंड ब्रेक भी आपको देखने मिल जाएगा ये इस तरीके से। और जो मैं एक चीज़ दिखाऊँ यहाँ पे डैशबोर्ड पे, डैशबोर्ड की जो फिनिश है काफ़ी अच्छी आपको देखने मिल जाएगा, ये कुछ इस तरीके से आपको देखने मिल जाएगा। और यहाँ से आपको यहाँ पे एम्बियंट लाइटिंग अभी मैं दिखाया था वो आपको भी देखने मिल जाएगी, अल्ट्रोज का आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से। और ये मिल जाएगा भाई लाइट के साथ, आपको कोल्ड ग्लव बॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा इस तरीके से देख सकते हो। और कुछ छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी अच्छे से इन्होंने कस्टमाइज किया है, देखो यहाँ पे आप चाहो तो बॉटल या फिर जो भी है ग्लास व्लास जो भी रहे आप यहाँ पे रख सकते हो, तो ये सारी चीज़ आपको देखने मिल जाएगी। और जो है भाई इनका ये भाई है सीट के लिए रेसर आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, ये देख पाओगे। और जो यहाँ से जो कनेक्टेड है भाई, ये जो क्वालिटी है कहीं काफ़ी अच्छी रखी गई, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी खासी देखने मिल जाएगी। और ये जो आपको देखने मिल जाएगी सारी कलर आपको यहाँ पे थोड़ा सा डार्क आपको मिल जाएगा, ये वाली थोड़ा सा फेड वाली मिल जाएगी। लेकिन स्ट्रेचिंग की बात करें तो स्ट्रेचिंग की जो यहाँ पे कलर है ये कुछ अलग है, बाकी काफ़ी बेहतरीन आपको देखने को मिल जाएगा फ्रंट से, सारी चीज़ें मैंने बता दिया। अब क्या करते हैं भाई यहाँ पे मैं दिखाऊँ, तो यहाँ से जो मुझे कम्फर्ट मिल रहा है मतलब कोई दिक्कत नहीं होने वाला, और साइड से भी कर्टन साइड आपको देखने मिल जाएगा काफ़ी अच्छा देखने मिल जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला। और एक चीज़ मैं दिखाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा टिकट होल्डर नॉर्मल सी, और यहाँ पे आपको मिरर के साथ देखने को मिल जाएगी, ये अपना मैनुअल IRBM देखने को मिल जाएंगे यहाँ से। और ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा पैसेंजर एयरबैग के लिए ऑन ऑफ कर सकते हो, SOS के बटन आपको देखने मिल जाएंगे, और यहाँ से आपको इसके सनरूफ को ओपन कर पाओगे। तो ये आप देखो भाई ये अपना मिल जाएगा सनरूफ के ऑप्शन कुछ इस तरीके से, रिजल्ट आपको ठीक ठाक आपको सनरूफ मिल जाएगी, जो भाई हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो आप क्या कर सकते हैं जो भी है, तो ये आपको सनरूफ भी मिल जाएगी। ये सनरूफ का जो ऑप्शन आप देखोगे भाई तो ये आपको मिल जाएगा R2 वेरिएंट से, आपको सनरूफ का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अभी क्या करते हैं भाई चलते हैं आपको पीछे वाली सीट पर, मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि कितना कुछ स्पेस आपको देखने को मिल जाएगा इसके रियर सीट पर, वो चीज़ बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा रियर वाली सीट पर, सेम चीज़ आपको मिल जाएगी, स्पीकर आपको देखने को मिल जाएगी। अब क्या करते हैं बैठ के मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या आपको देखने को मिल जाती है। तो भाई यहाँ पे अभी देखो भाई काफ़ी डिसेंट स्पेस आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ से, और ये आपको देखने मिल जाएगा मेरे हाइट के हिसाब से यहाँ पे भी ठीक स्पेस मिल जाएगा, जो मेरी हाइट है भाई 5.8 फीट की है, उस हिसाब से ठीक है स्पेस आपको कोई देखने, रिक्लाइन एंगल हेड एडजस्टेबल ऐसा ही आपको देखने को मिल जाती है। और आर्मरेस्ट में दिखाऊँ, आर्मरेस्ट भी आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे आप देख पाओगे कुछ इस तरीके से, तो आर्मरेस्ट भी आपको देखने को मिल जाता है। इसको करते हैं बंद, आइसोफिक चाइल्ड ऐसा ही आपको देखने को मिल जाती है यहाँ से, और यहाँ पे ग्रैब हैंडल हुक के साथ, यहाँ पे भी आपको ग्रैब हैंडल हुक के साथ, और ये सही चीज़ आपको मिल जाएगी। बाकी रियर से मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर हम बहुत नीचे हैं, वो अच्छी क्वालिटी की लग रही हैं, ये अपना मिल जाएगा ये इस तरीके से। यहाँ पर आपको इसी वैन 5 वोल्ट 2 एम्पियर 2.4 एम्पियर की आपको देख मिल जाएगी, तो काफ़ी अच्छा है। बाकी अगर रियर से मैं दिखाऊं तो रियर से कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है, ये आप देख पाओगे, नो डाउट काफ़ी अच्छी है। और एक चीज़ मैं और बताऊं कि इसमें जो क्वालिटी है आपको काफ़ी बेहतरीन आती है, जैसे कि ये अपना ये फुली ब्लैक है, ब्लैक इंटीरियर आपको देखने को मिल जाएगा, और कुछ इस तरीके से ग्रेट वो वाली आपको ऑरेंज वाली आपको देखने मिल जाएगी, तो हाँ अंदर से अलग सा फील आपको देखने को मिल जाता है। अभी क्या करते हैं भाई चलते हैं बात करते हैं भाई, इसके इंटीरियर हो गया भाई, अब बात करते हैं इसके इंजन पावर की। तो इसमें आपको मिल जाएगा वही नेक्सॉन का इंजन आपको देखने को मिल जाएगा, तो बोनेट ओपन करते हैं, इसमें आपको मिल जाएगा भाई
120 पीएस की पावर और भी 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको देखने को मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं भाई, कुछ इस तरीके से इसका मिल जाएगा इंजन। और जो इंजन आप देखोगे भाई, काफ़ी 1.2 लीटर थ्री सिलेंडर के साथ 120 पीएस की पावर, 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाएगा। इंसुलेशन के लिए आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और एक चीज़ आप देखोगे कि यहाँ पे कटा क्यों हुआ है, तो ये जब बैठती है भाई तो ये इस पर आता है, तो इसके लिए आपको दिया गया। बाकी ओवरऑल काफ़ी आपको तगड़ा इंजन आपको देखने मिलेगा। तो अब बात करते हैं भाई इसी कंक्लूजन की, कि इसमें आपको सारी चीज़ें मैंने बता दिया कि R3 R2 R1 में क्या क्या मतलब डिफरेंसेस है। अगर आपके पास एक अच्छा खासा बजट है और आप लेना चाहते हैं, मतलब कि आप 11 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये आपको काफ़ी बेहतरीन है। अगर आप वैल्यू फॉर मनी वेरियंट की बात करें तो इनका जो आपको R1 वेरियंट है, आपको वैल्यू फॉर मनी मिल जाएगा। बाकी अगर आप थोड़ा सा पैसा बढ़ा सकते हो भाई, अगर R2 में करीब 1 लाख का डिफरेंस आ जाता है एक्स शोरूम में, और R2 से R3 में आपको 50,000 का डिफरेंस आ जाता है, तो ये कुछ हिसाब से है। बाकी सेफ्टी में आपको कोई मतलब दिक्कत नहीं होने वाला, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिल जाएंगे, ABS, CVT, ब्रेक असिस्ट, ESC, ये सारी चीज़ आपको मिल जाएगी, हिलोल्ड सारी चीज़ आपको देखने मिल जाती है। बाकी इनका आने वाली कुछ वीडियो में आपको मैं R1 R2 का भी मैं आपको डिटेल वॉकआउट करने वाला हूँ, जिससे आप लोगों को एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा। और मैं जैसा मैं बता रहा था डिस्काउंट की, तो आपको 50,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आप शोरूम पे आके विजिट करना चाहते हैं तो मैं इनका नंबर दे रहा हूँ, यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, लाइक कमेंट से सब्सक्राइब कर सकते हो और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखेंगे।